अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम पे मैं ऑर्चर्ड होम्स में फेज़ फोर में आ चुका हूँ और जैसे कि आपको पता ही होगा ये पांच मरला की बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है। यहाँ पांच मरला प्लॉट के ऊपर तीन अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ग्राउंड पे, फर्स्ट पे और सेकंड फ्लोर के ऊपर। और आज आपके लिए मैं कैसे फ्लोर पे अपार्टमेंट लाया हूँ जो कि आप सबकी रिक्वायरमेंट बहुत अरसे से थी। फर्स्ट और सेकंड पे तो अपार्टमेंट्स बहुत अरसे से आ रहे थे लेकिन ग्राउंड पे आज हमारे पास अपार्टमेंट आ गया है फॉर सेल। ये है जी हमारी एंट्रेंस अपार्टमेंट की। हम अपार्टमेंट में एंटर हो गए हैं और एंटर होते साथ एक लाउंज है हमारे पास, अच्छी स्पेस है और लाउंज के साथ आपके पास कुछ स्पेस स्टोरेज एरिया भी है और उसके अलावा आप अपना फ्रिज यहाँ पर रख सकते हैं विच इज़ नियर द किचन। सबसे पहले तो आपको किचन में ही लेता चलता हूँ मैं। ये किचन है, रेडी है, यहाँ पे आप आएंगे और आके अपने इस रेजिडेंस को पूरा करेंगे। ग्राउंड फ्लोर की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ग्राउंड फ्लोर में हम आपको दे रहे हैं पीछे गली जो कि आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपके पास एक अपनी स्पेस है यहाँ पे, साइज भी आपका बड़ा है और स्पेस के साथ साथ आप अपना लॉन्ड्री इधर कर सकते हैं और जितने भी मामलात हैं वो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ग्राउंड के बाद हम चलते हैं बेडरूम में। ये है जी बेडरूम, बेडरूम का साइज भी अच्छा है। अगर आप देखें तो आपने सिर्फ अपना सामान ला के एसी ला के लगाना है, एवरीथिंग इज डन। फिर ये वार्डरोब आपके पास आ गई है और वार्डरोब का भी साइज अच्छा है कमरे के लिहाज से। और फिर आ गया है वॉशरूम, वॉशरूम भी बिल्कुल डिसेंट वॉशरूम है, अच्छी कलर टोन यूज हुई है इसके अंदर और एक अच्छी यहाँ पे एनवायरमेंट आपको मिल रहा है। फिर हम चले लाउंज से चलते हुए सेकंड बेडरूम की तरफ जो कि आता था एंट्रेंस पे, पर मैंने आपको एंड पे दिखाया है। दिस इज दैट रूम, ये आप देखें। इसमें आते साथ अगर आप देखें सबसे पहले तो ये व्यू आपको प्यारा मिलेगा। आप हर तरफ से सराउंडेड हैं इन्हीं ऑर्चर्ड होम से, बहुत सेफ, बहुत सिक्योर एनवायरमेंट है। फिर ये आपके पास एक ओपन स्पेस भी है विच विल बी अ गुड सोर्स ऑफ, आप कह सकते हैं वेंटिलेशन होगी, लाइट आएगी, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। फिर आपके पास आ गया वॉशरूम, इस वॉशरूम की स्पेस भी अच्छी है। अभी आपको जो मामलात हैं वो शायद थोड़े अनटाइडी नज़र आ रहे होंगे लेकिन डोंट वरी, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो के सब कुछ साफ सुथरी मिलेगी। ब्रांड न्यू है, लोग जानते ही होंगे कि ब्रांड न्यू चीज़ को बाद में फिनिश करना होता है, साफ हालत में लाना होता है, तो वो होगा। तो अगर आप आज भी सबसे इकोनॉमिकल, मैं रिपीट करूंगा, सबसे इकोनॉमिकल ऑर्चर्ड होम लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें और इस ऑर्चर्ड होम को अपना बनाएं। थैंक यू सो मच।